वो राजकुमारी है, लेकिन उसने अपने महल में काम करने वाले नौकर से प्यार कर लिया। अपने प्यार के लिए वो परिवार से भिड़ गई। उसने राजा महाराजाओं की जगह एक मामूली इंसान से शादी कर ली। वो भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता है, लेकिन उसके महल पर बीजेपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कब्जा करने के लिए पुलिस फोर्स भेज दी। राजकुमारी के महल को महारानी ने सील करा दिया तो मामला दिल्ली दरबार पहुंच गया, जिसके बाद अमित शाह और राजनाथ सिंह को दखल देना पड़ा। वो कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन है और उसने ताजमहल पर दावा ठोक दिया। वो खुद को राम का वंशज बताती है, बकायदा उसने इसके सबूत भी दिखाए। वो महारानी का विकल्प है। चलिए आज आपको अनसुनी कहानियों में राजस्थान की पहली महिला डिप्टी सीएम दिया कुमारी की कहानियां सुनाते हैं। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिया कुमारी उस समय सुर्खियों में आ गईं जब वो वसुंधरा राजे से भिड़ गईं, उनके खिलाफ सड़कों पर उतर गईं। इतना ही नहीं, उनकी शिकायत अमित शाह और राजनाथ सिंह से कर दी। तारीख थी 24 अगस्त 2016। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने बीजेपी की तत्कालीन विधायक और राजकुमारी दिया कुमारी की 12 बीघा से ज्यादा बेशकीमती जमीन को सील कर दिया। इस घटना के बाद राज परिवार और सरकार में ठन गई। मौके पर बीजेपी विधायक दिया कुमारी और जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त शिखर अग्रवाल के बीच तीखी तकरार हो गई। राज्य सरकार ने दिया कुमारी के राजमहल पर कब्जा किया तो राजपूत समाज नाराज हो गया। राज परिवार के समर्थन और वसुंधरा सरकार के खिलाफ राजपूत समाज के संगठन और अन्य संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन किया। 1 सितंबर 2016 को दिया कुमारी की मां पद्मिनी देवी की अगुवाई में बड़ी रैली निकालकर वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। राजमहल पर वसुंधरा सरकार की कार्रवाई को लेकर दिया कुमारी दिल्ली पहुंच गई, जहां उन्होंने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सामने पूरी बात रखी। बताया जाता है कि दिया कुमारी ने जमीन के कागजात राजनाथ सिंह को दिखाए और वसुंधरा सरकार की कार्रवाई की शिकायत की। कहा जाता है कि दिया कुमारी ने राजनाथ सिंह को राजपूत वोट बैंक की चेतावनी भी दी थी। हालांकि राजनाथ सिंह ने समाधान निकालने की बात कही और वसुंधरा राजे से बात करने का आश्वासन दिया। विवाद के बीच राजपूतों की बढ़ती नाराजगी से बीजेपी आलाकमान चौकन्ना हो गया और मामले के समाधान में जुट गया। पार्टी ने तत्कालीन सह संगठन मंत्री सौदान सिंह को विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी। बकायदा पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें गजेंद्र सिंह खींवसर, राजेंद्र राठौड़, राजपाल सिंह शेखावत और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को शामिल किया गया। सौदान सिंह ने सबसे पहले दिया कुमारी को पार्टी कार्यालय बुलाया। दिया कुमारी अपने पति नरेंद्र सिंह और वकील के साथ पहुंचे तो सौदान सिंह ने वकील को कमरे से बाहर भेज दिया। 2 घंटे तक चली बैठक में दिया कुमारी ने सौदान सिंह के सामने अपना पक्ष रखा। इसके बाद अगली सुबह सौदान सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को तलब किया। वसुंधरा राजे अशोक परनामी के साथ पहुंची। करीब 6 घंटे की मैराथन बैठक के बाद राज्य सरकार का रुख नरम पड़ा और आखिरकार जयपुर विकास प्राधिकरण ने विवादित जमीन पर लगाई सील को हटा दिया। खास बात यह है कि रविवार को छुट्टी के दिन दिया कुमारी की जमीन से सील हटाया गया था, जिसके बाद राजकुमारी और महारानी के बीच विवाद थम गया। खुद को भगवान राम का वंशज बताने वाली दिया कुमारी विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर दावा ठोक चुकी हैं। उनका दावा है कि ताजमहल के कागजात उनके पास मौजूद हैं। बकौल दिया कुमारी, जिस जमीन पर ताजमहल बना है वह मूल रूप से जयपुर के तत्कालीन शासक जयसिंह की थी, जिस पर मुगल बादशाह शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। लोगों को पता होना चाहिए कि वहां कमरे क्यों बंद है। ताजमहल से पहले कुछ भी हो सकता था, हो सकता है मंदिर रहा हो। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि मूल रूप से मकबरे से पहले वहां क्या था। जिस जयपुर राजघराने से दिया कुमारी का ताल्लुक है, उसी राजघराने से मानसिंह का भी संबंध था, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। दिया कुमारी के पिता सवाई भवानी सिंह 24 जून 1970 से 28 दिसंबर 1971 तक जयपुर के महाराजा रहे। दिया के पिता भवानी सिंह सेना में ब्रिगेडियर थे। 1971 में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वो ब्रुनेई के राजदूत भी रहे। 2011 में भवानी सिंह और पद्मिनी सिंह ने अपनी इकलौती संतान दिया कुमारी को अपना वारिस घोषित कर दिया। बाद में 12 जुलाई 1998 को जन्मे दिया कुमारी के बेटे पद्मनाभन सिंह को अपना वारिस घोषित कर दिया, जिसके बाद 27 अप्रैल 2011 को जयपुर के महाराजा के तौर पर पद्मनाभन सिंह का राजतिलक हुआ। राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी ने जब सियासत में कदम रखा तो बुलंदियों को छूती चली गई। 10 सितंबर 2013 को नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे की मौजूदगी में दिया कुमारी ने बीजेपी का कमल थाम लिया।
पार्टी ने 2013 के विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर से टिकट दिया और जीत कर पहली बार दिया कुमारी विधायक बन गई। इसके बाद 2019 में राजसमंद से जीत कर पहली बार लोकसभा पहुंची। सांसद बनने के साथ ही पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया। राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि बीजेपी दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर भी तैयार कर रही है। इसकी बड़ी वजह यह रही कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें विद्यानगर सीट से टिकट दिया और चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला तो दिया कुमारी को प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया गया। दिया कुमारी सियासत में कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से भी जानी जाती हैं। वो खुद को भगवान राम का वंशज होने का दावा कर चुकी हैं। इसके अलावा ताजमहल पर भी दावा ठोक चुकी हैं। दिया कुमारी का दावा है कि वो भगवान श्री राम की 310वीं पीढ़ी हैं। खुद को भगवान राम का वंशज बताने वाली दिया कुमारी ने 2019 में मीडिया के सामने एक पत्रावली पेश की थी और दावा किया था कि वो भगवान राम की 310वीं पीढ़ी हैं। दिया कुमारी का दावा है कि भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर ख्यात कछवाहा यानी कुशवाहा वंश के वंशज हैं। वंशावली में सवाई जयसिंह को 289 में और भवानी सिंह को 309वें वंशज के रूप में दिखाया गया। दिया कुमारी का दावा है कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह भगवान राम के बड़े बेटे कुश के 289वें वंशज थे। सियासत में सुर्खियों में रहने वाली दिया कुमारी प्यार की पिच पर भी खूब सुर्खियों में रही। महज 18 साल की उम्र में दिया कुमारी ने अपने राजमहल में काम करने वाले नौकर को दिल दे बैठी। दोनों के बीच मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। आखिरकार दिया ने चोरी छिपे उसे शादी कर दी। जब दिया कुमारी ने अपनी शादी के बारे में माँ को बताया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि माँ अपनी राजकुमारी के लिए कोई राजकुमार चाहती थी, लेकिन दिया ने तो नौकर से शादी रचा ली। जयपुर के पूर्व महाराज सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की इकलौती संतान दिया कुमारी उस समय सुर्खियों में आई जब उन्होंने अपने महल में काम करने वाले एक कर्मचारी से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। बात 1994 की है। इस शादी ने जयपुर और राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी मचा दी। दरअसल SMS म्यूजियम ट्रस्ट के अकाउंट सेक्शन में नरेंद्र सिंह राजा बदकाम किया करते थे। महल में पहली बार उनकी मुलाकात राजकुमारी दिया कुमारी से हो गई। उस समय दिया की उम्र महज 18 साल थी। दिया कुमारी नरेंद्र से प्रभावित हो गई। नरेंद्र से मुलाकात के बारे में दिया कुमारी का कहना है, मेरे पति CA थे। अपनी पढ़ाई के सिलसिले में उन्होंने SMS म्यूजियम ट्रस्ट के अकाउंट सेक्शन में ज्वाइन किया था। हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में वह 3 महीने रहे। उसके बाद उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया। मेरे पेरेंट्स ने उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया था। महल में हम पहली बार उनसे मिली थी। मैं उनकी सहजता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित थी। हालांकि मुझे पहली नजर में उनसे प्यार नहीं हुआ था। जब वह ट्रेनिंग खत्म करके चले गए तब मुझे लगा कि मैं उनसे बार बार मिलूं। जब भी नरेंद्र जयपुर आते तो हम कॉमन दोस्त के वहां मिलते थे। मैं पेरेंट्स के साथ विदेश गई तो उन्हें मिस करने लगी। मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है। मैंने इस बारे में मॉम से बात की तो उन्हें झटका लगा। वह चाहती थी कि मेरी शादी किसी राजघराने में हो। माँ को पता चला तो दिया और नरेंद्र जयपुर से बाहर मिलने लगे। दोनों की मुलाकातें अब दिल्ली के एक दोस्त के घर पर होने लगी। यही वो दौर था जब परिवार वालों ने दिया कुमारी के लिए रिश्ता ढूंढना भी शुरू कर दिया था। नरेंद्र के प्यार में गिरफ्तार दिया तमाम राज परिवार के लोगों से मिली। इस दौरान दिया ने नरेंद्र से रिश्ता खत्म करने की कोशिश भी की। दिया ने नरेंद्र से बात करना भी बंद कर दिया, लेकिन इसका भी असर नहीं पड़ा क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बकौल दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे शादी के लिए लोगों से मिलाना शुरू कर दिया। मैं कई शानदार लोगों से मिली, लेकिन मेरी दिलचस्पी तो किसी और में थी। मैं अपने पेरेंट्स की चिंता भी समझ रही थी। मैंने नरेंद्र से रिश्ता खत्म करने की कोशिश भी की। हमने बात करना भी बंद कर दिया। इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि प्यार और शादी की चाह गहरी होती चली गई। 18 साल की उम्र में नरेंद्र सिंह राजावत को दिल दे चुकी दिया कुमारी किसी भी कीमत पर नरेंद्र के साथ जीवन गुजारना चाहती थी। इसके लिए वो परिवार से बगावत करने के लिए भी तैयार थी। परिवार वाले राजघराने से रिश्ता ला रहे थे, लेकिन दिया कुमारी ने परिवार से बगावत कर दी। 6 साल नरेंद्र के प्यार में गिरफ्तार रहने वाली दिया कुमारी ने आखिरकार 1994 में आर्य समाज तरीके से शादी रचा ली। अपनी शादी के बारे में दिया ने कहा, हमने 1994 में आर्य समाज तरीके से शादी कर ली। फिर शादी को कोर्ट में रजिस्टर कराया। मैंने 2 साल तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि हमने शादी कर ली है। फिर नवंबर 1996 में मैंने माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है। हालांकि नरेंद्र के परिजनों की प्रतिक्रिया भी पॉजिटिव नहीं रही थी। बेटी दिया की शादी का खामियाजा उनके पिता भवानी सिंह को भुगतना पड़ा। जब बेटी की शादी की वजह से उन्हें राजपूत महासभा के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था।
दरअसल भारतीय सेना में ब्रिगेडियर रहे भवानी सिंह राजपूत महासभा के अध्यक्ष थे, लेकिन दिया कुमारी की शादी की वजह से राजपूत समाज नाराज हो गया। दरअसल राजपूत समुदाय ने एक ही गोत्र होने की वजह से राजकुमारी दिया और नरेंद्र सिंह की शादी का विरोध किया था। राजपूत समाज ने दिया कुमारी की शादी की वजह से उनसे दूरी बना ली। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने शादी को निजी मुद्दा बताया था और कहा था कि वह समाज की धमकियों से डरने वाली नहीं है। शादी के बाद दिया कुमारी नरेंद्र के साथ रहने लगी, लेकिन बीतते वक्त के साथ दोनों में मनमुटाव शुरू हो गया। विवाद की खबरें सामने आने लगी। काफी समय तक दोनों एक दूसरे से अलग रहे। हालांकि थोड़े वक्त बाद दिया और नरेंद्र ने एक साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन बात नहीं बनी। 2018 में दोनों ने तय किया कि अब हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जयपुर के फैमिली कोर्ट में दोनों ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। आखिरकार 2019 में कोर्ट ने दोनों की सहमति से तलाक दे दिया। दिया कुमारी को सियासत भी विरासत में मिली। उनकी दादी गायत्री देवी राज्य की राजनीति की सबसे ताकतवर नेता रहे। उन्होंने देश के दो दो प्रधानमंत्रियों से पंगा लिया था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भिड़ी तो उनकी बेटी इंदिरा गांधी से भी लोहा लिया था, जिससे इंदिरा भड़क गई थी और उन्होंने उनके किले में सेना भेज दी थी। वहीं जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गायत्री देवी को कांग्रेस में शामिल करने का न्योता दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया था। बात 1967 की है, जब गायत्री देवी इंदिरा गांधी से उलझ गई थी। इंदिरा गांधी के साथ शांति निकेतन में पढ़ चुकी गायत्री देवी की संसद में मौजूदगी इंदिरा गांधी को बर्दाश्त नहीं थी। हालांकि पहले कई बार इंदिरा गांधी गायत्री देवी को कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन गायत्री से हर बार उन्हें झटका ही मिला था। इसकी वजह ये थी कि गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी की चमकता दमकता सितारा थी, जिसे इंदिरा गांधी खुद के लिए चुनौती के तौर पर देख रही थी। एक बार संसद में इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी को कांच की गुड़िया कह दिया था। दोनों के बीच तलखी उस समय और बढ़ गई जब इंदिरा ने राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स खत्म कर दिए। वहीं इमरजेंसी के दौरान गायत्री देवी को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। कहा जाता है कि इस दौरान इंदिरा के इशारे पर जयगढ़ किले में फौज भेजी गई, जहां कुछ खजाने हाथ लगे। हालांकि बाद में राजघराने ने कहा कि खुदाई में सोने चांदी के कुछ पुराने सिक्के मिले होंगे। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया तो विपक्षी नेताओं को मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाने लगा। उस समय गायत्री देवी मुंबई में इलाज करा रही थी। उन्हें बताया गया कि इलाज खत्म होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। घबराए गायत्री देवी दिल्ली पहुंची और लोकसभा का नजारा देखा तो वे अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि विपक्ष के सीटें खाली हैं। लोकसभा का नजारा देखने के बाद गायत्री देवी औरंगजेब स्थित अपने घर पहुंची। आयकर विभाग के अधिकारी धमक उठे। गायत्री देवी को अघोषित सोना और संपत्ति छुपाने का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। 6 महीने उन्होंने जेल में बिताए। जेल में उन्हें माउथ अल्सर हो गया। 3 हफ्ते बाद उन्हें इलाज के लिए परमिशन मिला। बात 1962 की है। राज्य में मोहनलाल सुखाड़िया कांग्रेस की सरकार चला रहे थे। वहीं गायत्री देवी उन दिनों सी राजगोपालाचारी के स्वतंत्र पार्टी का हिस्सा थी और उन्होंने 1956 में 36 सीटों पर स्वतंत्र पार्टी को जीत दिलाई थी। मोहनलाल ने गायत्री देवी को कांग्रेस में शामिल करने और लोकसभा चुनाव बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गायत्री देवी को 1956 का वो वाकया याद था जब उनके पति महाराजा सवाई मानसिंह को राजप्रमुख के पद से हटाकर अपमान किया गया था। यही वजह थी कि कांग्रेस के लिए उनके मन में गुस्सा था। स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर उन्होंने जयपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और कुल 2,46,000 वोटों में से 1,94,000 वोट हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। गायत्री देवी की लोकप्रियता और बेबाक बयानों ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ा करना शुरू कर दिया। 1962 में भारत चीन युद्ध को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भड़कते हुए कहा था, अगर आपको किसी चीज के बारे में कुछ पता होता तो आज हम इस झंझट में नहीं पड़ते। वहीं 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गायत्री देवी को कांग्रेस में शामिल होने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। दिया कुमारी एक बेटी और दो बेटों की माँ है। बड़ा बेटा पद्मनाभन और छोटा बेटा लक्ष्यराज सिंह है, जबकि बेटी का नाम गौरवी सिंह है। गौरवी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क से मीडिया और कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। उनकी खूबसूरती की खूब चर्चा होती रहती है। इंस्टाग्राम पर वो एक्टिव है, जहाँ लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। दिया कुमारी की एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल, मुंबई के जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद जयपुर के गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करने के बाद लंदन चली गईं, जहां उन्होंने फाइन आर्ट्स डेकोरेटिव पेंटिंग में डिप्लोमा किया। लंदन से लौटने के बाद उन्होंने जयपुर की एमिटी यूनिवर्सिटी से फिलोसफी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वहीं दिया कुमारी अपनी संपत्ति को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दिया कुमारी की संपत्ति $2.8 बिलियन के आसपास है। आज अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। तब तक आप देखते रहिए News 20।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।